छाता तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी द्वारा ऑक्सीजन इनहेंसर मशीन लगाई गई। इस मशीन का सांसद हेमा मालिनी के प्रतिनिधि जनार्दन मिश्रा और भाजपा नेता तरुण सेठ ने फीता काट कर उद्घाटन किया। भाजपा नेता तरुण सेठ ने बताया कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में सांसद हेमा मालिनी द्वारा छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन इनहेंसर मशीन लगवाई गई है। इसी की वजह से जिन व्यक्तियों को ऑक्सीजन की कमी है उन व्यक्तियों के लिए यहां पर ऑक्सीजन दी जा सकती है। ये मशीन एक साथ 5 व्यक्तियों को ऑक्सीजन दे सकती है। ऑक्सीजन की कमी से आने वाले मरीजों को इससे राहत मिलेगी। इस दौरान सांसद के प्रतिनिधि जनार्दन मिश्रा और भाजपा से देवेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, छाता देहात प्रधान बॉबी चौधरी आदि तमाम लोग मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात AMO IC डॉक्टर शशि रंजन ने बताया कि 25 लीटर इनहेंसर मशीन सांसद हेमा मालिनी के द्वारा अस्पताल में लगवाई गई है। ये मशीन वायुमंडल से 1 मिनट में 25 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन बनाकर सप्लाई करेगी। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के चलते कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी। इसके लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में सांसद हेमा मालिनी ने CHC सेंटर की मदद करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए अपने विभाग की तरफ से उन्होंने भाजपा सांसद हेमा मालिनी का शुक्रिया अदा किया। वहीं मौके पर पहुंचे ACMO PK गुप्ता द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर वाले जिन व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन को तभी खोला जाए जब वहां पर 10 व्यक्ति मौजूद हों, ताकि वैक्सीन खराब ना हो। आपसे जाने कि आपने यहाँ पर मशीन का एक उद्घाटन किया है, इससे क्या कुछ क्या फायदा होने वाला है और ये क्या काम करेगी? देखो, आप लोगों को सबको पता है कोरोना महामारी इस समय बहुत बड़ा रूप भारतवर्ष के अंदर ले चुकी है और जगह जगह उसकी वजह से मौतें हो रही हैं, जगह जगह उसकी वजह से परेशानियाँ हो रही हैं। और आप देख रहे हो कि लॉकडाउन पिछले 1 महीने से लॉकडाउन उत्तर प्रदेश सरकार का लगा हुआ है, विभिन्न स्टेटों में भी लॉकडाउन सरकार का लगा हुआ है। इसी में आज हमने माननीय सांसद हमारे जो हेमा मालिनी जी हैं, सांसद हेमा मालिनी जी को प्रयास से यहाँ छाता जो छाता PSC है यहाँ पर एक इनहेंसर जिसमें कि 5 लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की आप लोगों को बहुत कमी हुई है, बड़ी परेशानी हुई है ऑक्सीजन की। तो हेमा मालिनी जी के द्वारा वो विभिन्न हॉस्पिटलों के लिए दे रही है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है विभिन्न हॉस्पिटलों में, ज़्यादातर हॉस्पिटलों के उनके द्वारा किसी में 1 इनहेंसर, किसी में 2 इनहेंसर दिए जा चुके हैं, जिसमें किसी में 5 व्यक्ति फायदा उठा सकते हैं उसको, जो ऑक्सीजन के मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी में 10 मरीज फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मशीन आई है जो हेमा मालिनी जी के द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा की गई है, अपने व्यक्तिगत प्रयास से थोड़ी चिंता करती हो उन्होंने यहाँ पर लगवाई है। इसमें 5 व्यक्ति ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो कोरोना मरीज हैं जो परेशान हैं, अब उनको छाता से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन 5 लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। 25 लीटर पर मिनट इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, तो लगभग 5 व्यक्तियों को इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। हमारे हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग, हमारे महेश जी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के छाता के वो भी मौजूद है, देवेंद्र शर्मा जी भी हमारे जो जिले के मंत्री हैं वो भी, चंद्रकांत प्रधान जी आप देख रहे हो, प्रधान जी छाता देहात के, और हमारे क्या नाम है उनका, सुरेश प्रधान जी, सूरज पाल जी, यदुवंशी जी, तमाम वरिष्ठ भाजपा, कमल शर्मा जी हमारे, तमाम कमल शर्मा जी जामपाल, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। और हमको बड़ी खुशी हो रही है कि अब छाता में ही कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा और यहीं पर ही उनको ऑक्सीजन मिल सकेगी, अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मथुरा, वृंदावन, आगरा नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए हम सांसद हेमा मालिनी जी का और प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कोई जो हॉस्पिटल रह गए हैं उनमें भी इसी तरह की सेवा जल्दी हेमा मालिनी जी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे जाने यहाँ पर एक ऑक्सीजन इनहेंसर मशीन लगाई गई है, इनसे मरीजों को क्या क्या फ़ायदा होंगे? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि छाता को सुना दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन इनहेंसर मशीन लगाई जाए। हम सभी BJP कार्यकर्ता और जितने भी महामंत्री और सांसद जी हैं सबका धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, बहुत ही प्रयासरत हैं कि कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सेवा और सुदृढ़ हो, उसी की ओर हम एक कदम बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। ये ऑक्सीजन फैसिलिटी होने से सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा L1 लेवल पे जितने भी मरीज हैं
जिनको किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है हमारे पास आते थे और हमारे पास जो है सिलेंडर की कोई व्यवस्था थी उस समय, तो इस चीज़ से होने से जो है सारी व्यवस्थाएं सुधरी होंगी और उनको हम वो फैसिलिटी दे पाएंगे जो मरीजों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी हमारे बीच में जो है हमारे ACMO सर PK गुप्ता सर भी आ चुके हैं और वो भी इस चीज़ का मुआयना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी सारी सुविधाएँ अदर जगह पर होती हैं वो भी हमारे अस्पताल में उपलब्ध हो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। हम पुनः एक बार सभी लोगों का, आने वाले लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और हमारे छात्रा को CHC को चुना इसके लिए, इसलिए धन्यवाद सभी विभिन्न कार्यकर्ताओं को और सभी महिलाओं को।